जनवरी साल 1954 को भारत के दो नागरिक पुरस्कारों की स्थापना हुई। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने की। इन पुरस्कारों में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पद्म विभूषण शामिल थे। बाद वाले पुरस्कारों में तीन वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, लेकिन बाद में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, जिन्हें जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया। इन नागरिक सम्मानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। एक वर्ष में अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। साल 1954 में शुरू हुए भारत रत्न से नवाजे गए पहले तीन व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। सरकार ने अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2014 में पहली बार सरकार ने खेल को भारत रत्न की श्रेणी में सम्मिलित किया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से नवाजे गए सबसे युवा और पहले खिलाड़ी हैं।